हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। और अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो घबराना नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हो गया है, आराम से बैठो, बस अपनी चीज अपना ऑक्सीजन लेवल और ये सब चीज़ें मॉनिटर करते रहो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, खुद को आइसोलेटेड रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक हो जाओगे, ठीक है? तो करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस करने हैं फॉर योर UPSC PFO AOEO एग्जाम। लेक्चर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं जनवरी के करंट अफेयर्स। जी अच्छा, कोई कोई बच्चा कह रहा था सर 12 लेक्चर हो गए, 11 लेक्चर हो गए, जनवरी 2021 के पीछे हाथ धोकर पड़ गए आप। तो देखो, हर महीने के पीछे हाथ धोकर के पढ़ेंगे, क्वेश्चन कोई ना छूट जाए, समझ रहे हो? क्वेश्चन सारे कवर करने हैं, जितने हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, उसी से पेपर क्लियर होएगा ना, है ना? और तभी तो साथ साथ आठ आठ दस दस क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना बिल्डअप हो, समझ रहे हो? चलो, तो टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। और अब डेली करंट अफेयर्स भी चालू हो गए हैं आपके, डेली करंट अफेयर्स के MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। May 1 से स्टार्ट किया है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। 5-7-10 MCQs देखते हैं, उसमें भी डेली की न्यूज़ से बेसिकली आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी देख लेना है आपने। चलिए तो शुरू करें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू शेडो एंटरप्रेन्योरशिप। शेडो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। इकोनॉमी में भी रख सकते हो इसको, स्टैटिक वाला पार्ट बना करके। ऑलराइट, सो ये कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो बिजनेसेस होते हैं, दे सेल लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स बेच रहे हैं, अफीम गांजा बेच रहे हैं, लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं, पर ये रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के साथ। अभी तक इन्होंने सरकार के साथ अपनी कंपनी को या अपनी फर्म को या अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया। दूसरा क्या कह रहा है, द अनलाइसेंस्ड टैक्सी कैब सर्विसेज एंड ई फार्मेसीज आर एग्जांपल ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योरशिप। जो अनलाइसेंस्ड टैक्सी कैब है, बिना लाइसेंस के टैक्सी चला रहे हैं, जो टैक्सी का लाइसेंस लिए बिना, या ई फार्मेसीज हैं जो लाइसेंस नहीं ले रही हैं प्रॉपर, वो एग्जाम्पल हैं शेडो एंटरप्रेन्योरशिप के। आपको थर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया और इंडोनेशिया जो हैं, इनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ शेडो एंटरप्रेन्योर्स आपको मिलते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है जी? ये चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में, जहन में आपके बैठ जाए कि करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर सर्कल लगा लेना है पेपर में, जब भी क्वेश्चन रीड कर रहे हो उसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऑप्शंस क्या हैं, 1 and 2 ओनली, B2 ओनली, C2 एंड 3 ओनली, एंड D इज 1, 2 एंड 3। देखो अब आंसर क्या होगा इसमें, पहले खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है, फिर सुनना है आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, कुछ इलीगल गुड या सर्विस नहीं बेच रहे, ऑलराइट। लेकिन कंपनी जो है, वो बिजनेस जो है, सरकार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये भी एक तरह का गलत काम है, क्योंकि ये टैक्स का पार्ट नहीं बन रहे, फिर टैक्स सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे, टैक्स स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं बन रहे, सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है सरकार के पास। ओके, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अनलाइसेंस टैक्सी कैब सर्विस और ई फार्मेसीज, बिल्कुल सही, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इंडिया और इंडोनेशिया में आपको सबसे ज्यादा शेडो एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिलते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन डी हो जाता है, 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ओके, ऑलराइट, सो शेडो एंटरप्रेन्योर्स इंडिविजुअल्स आर सेलिंग लेजिटिमेट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑपरेटिंग इन अ शेडो इकोनॉमी, गवर्नमेंट की रीच से बाहर हैं, तो टैक्सेशन से भी बाहर हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड टैक्सी कैब सर्विस, जो रोड साइड फूड स्टॉल्स हैं। अब आप कहोगे सर रोड साइड फूड स्टॉल वाले तो वैसे भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आएंगे। बेटा कहीं आपने देखे नहीं, इतने फेमस रोड साइड फूड स्टॉल्स होते हैं, दे आर अर्निंग मोर देन इवन सम हाई एंड रन शोरूम्स, AC शोरूम से भी ज़्यादा अर्न करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे, पर कहीं, लेकिन वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के पास, एंड दे आर कम्प्लीटली आउटसाइड द टैक्स स्ट्रक्चर। स्मॉल लैंडस्केपिंग ऑपरेशंस, ऑलराइट, ये सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कुछ इलीगल गुड बेच रहे हैं या इलीगल सर्विस बेच रहे हैं। ओके, एंड अभी एक रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में जनवरी मंथ में शेडो इकोनॉमी के ऊपर और शेडो एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, एंड दैट आर्टिकल हाईलाइटेड कि किस तरह से जो है शेडो एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लोबली राइज हो रहा है बहुत से सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन में सर्टिफिकेट गिविंग कोर्सेज हैं रजिस्टर्ड नहीं है, फाइनेंस में, बेटिंग इकोनॉमी, ऑनलाइन गेम्स जो ये चल रही हैं, ई फार्मेसीज, बहुत सी ई फार्मेसीज जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है सरकार के साथ,
ठीक है। और ये स्टडी अभी रिसेंटली किसने की थी, इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल, 68 कंट्रीज में स्टडी की गई थी जो डाटा पब्लिश हुआ था अखबार में। और इस स्टडी के हिसाब से इंडोनेशिया और इंडिया सबसे ज्यादा शेडेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा, इंडिया इज ऑन सेकेंड नंबर, इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट था। ओके, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान में रखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सक्लूसिवली फॉर वुल्व्स इज टू बी सेटअप इन द स्टेट ऑफ, पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिंदुस्तान में जो वुल्व्स के लिए एक्सक्लूसिवली सेट की जाएगी वो कौन सी स्टेट में होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए अपने को करंट अफेयर्स के, फैक्चुअल क्वेश्चन, ये नहीं इसको कह के इन क्वेश्चंस को छोटा नहीं कर देना कि ये तो बैंक का क्वेश्चन है या ये एसएससी का क्वेश्चन है। बेटा पिछले सालों के यूपीएससी के पेपर उठा करके देखो, ठीक है। चलो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका में पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सक्लूसिवली फॉर द वुल्व्स विल बी मेड अप, याद कर लो, इजी है। थर्ड क्वेश्चन, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का हमने मिक्स करना है शुरू से, ये बात मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क, वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क दैट हाईलाइटेड द नीड टू अडॉप्ट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर होम बेस्ड वर्कर्स। ये जो रिपोर्ट का अब ये टाइटल वगैरह, इस तरह के करंट अफेयर्स आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है क्योंकि लेबर रिलेटेड एस्पेक्ट आ गया, ठीक है। करंट का एस्पेक्ट भी आ गया, लेबर रिलेटेड एस्पेक्ट भी आ गया, दो सब्जेक्ट्स कवर हो गए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है, WTO, ILO, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सोशलिस्ट इंटरनेशनल। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे को अगर आंसर नहीं भी आता तब भी वो क्या करता है, तुक्का लगा जाता है ILO पे कि यार लेबर से रिलेटेड है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही निकाली होगी। अब इस तरह के तुक्के में 50-50 जो है रेशियो रहता है कि आपका क्वेश्चन ठीक होगा या आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। इस केस में अगर आपने ऐसा तुक्का लगाया होता तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाता, लेकिन क्या पेपर में हमें ये वाले तुक्के लगाने हैं वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर तो ये है कि आपको पेपर में क्वेश्चन आते ही नहीं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर 120 क्वेश्चन पेपर में आए हैं आपको सिर्फ 25-30 क्वेश्चन आते हैं या 35 क्वेश्चन आते हैं या 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको लग रहा है कि यार इतने क्वेश्चन से तो मेरा वैसे भी क्लियर नहीं होगा, तो वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपको 50-50 का डाउट है उनमें आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सिमिलरली अगर आपने 120 में से ऑलरेडी आपको 70-80 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 80 क्वेश्चन आते थे, 75 आते थे, 90 आते थे, तो उसमें फिर रिस्क लेने का फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होने का भी चांस है ना, तब नहीं रिस्क लेना, समझ रहे हो। तो ये एक स्मार्ट वे ऑफ थिंकिंग होता है जो आपको एग्जामिनेशन में ही डिसाइड करना है, अल्टीमेटली आप ये पहले से डिसाइड करके चीज नहीं जा पाओगे। ओके, चलिए, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है जिसका टाइटल है वर्किंग फ्रॉम होम, पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड, इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क एंड इट हैज हाईलाइटेड द नीड टू अडॉप्ट ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड्स, ताकि जो घर से काम करने वाले लोग हैं उनके भी जो है स्टैंडर्ड्स इंप्रूव किए जा सकें। ऑलराइट, प्रायर टू कोविड-19 क्राइसिस इन 2019 देयर वर 260 मिलियन होम बेस्ड वर्कर्स विच रिप्रेजेंट 7.9% ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, और इसमें भी 56% वुमेन आती हैं, तो इसीलिए इनके लिए स्टैंडर्ड सेट करना जरूरी हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, वंस अगेन फैक्चुअल, कनेक्टिंग विच सिटीज वॉज द इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस मेड, हिंदुस्तान की पहली एयर टैक्सी सर्विस कौन सी दो सिटीज के बीच में रन करेगी, चंडीगढ़ एंड लखनऊ, लखनऊ एंड करनाल, हिसार एंड पटना और चंडीगढ़ एंड हिसार, बताइए। हाँ जी, देखो आसान सा सवाल है, फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़ हिसार, ठीक है। चंडीगढ़ इज द यूनियन टेरिटरी एंड द कॉमन कैपिटल, कॉमन कैपिटल है किसका, पंजाब और हरियाणा का, एंड हिसार इज इन योर हरियाणा। ऑलराइट, और इसको लॉन्च किसने किया था, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया था। ओके, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए तैयार हमने बिल्कुल रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट गुरु गोबिंद सिंह जी। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही फाउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा, सेकेंड स्टेटमेंट इज ही फॉट अगेंस्ट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ मुख्तसर। ओके, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, सी बोथ, डी नीदर।
देखो ये क्वेश्चंस चलते रहते हैं ओके, जैसे अभी जब हम May 2, 2021 के हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, उस समय मैंने आपको कराया था 400 ईयर्स बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी गुरु तेग बहादुर की, ओके। तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट बन गए और साथ ही साथ इसने आप इसकी आपने हिस्ट्री भी कवर कर ली, ओके। इस क्वेश्चन ने आपकी हिस्ट्री भी कवर कर ली और करंट अफेयर का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स के स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं वो डिराइव होते हैं, ओके। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक बार डिटेल देख लेते हैं, ओके। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने होमेज पे की थी गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। 22 दिसंबर 1666 को पटना में उनका बर्थ हुआ था। ऑलराइट, लास्ट गुरु थे आउट ऑफ द 10 सिख गुरुज एंड ही हैज गिवन अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिख रिलीजन, ओके। और टर्बन जो है वो भी, जो टर्बन वेयर करते हैं सिख सिख रिलीजन में, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ही गेव द प्रिंसिपल ऑफ खालसा, ओके, एंड ही फॉट अगेंस्ट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ मुक्तसर जो 1705 में लड़ा गया था। बैटल ऑफ आनंदपुर में जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने अपनी माता जी और उनके दो जो माइनर बच्चे थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और उनके जो सबसे बड़े बेटे थे वो बैटल में उनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ आनंदपुर में। इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जाप साहिब, बेंती चुपाई, अमृत सवाए इटेक्स्ट्रा, और इन्होंने एक जफरनामा नाम से एक लेटर लिखा मुगल एम्परर औरंगजेब को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जफरनामा वॉज रिटन बाय हुम, और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकते हैं, जफरनामा वॉज अ लेटर दैट वॉज रिटन बाय द 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी टू हु अमंग द फॉलोइंग, नीचे चार ऑप्शन दे देंगे, आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो इस तरह से हमने सारी चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। किसी को मेरी अगर स्पीड फास्ट लगती है बोलने की तो आप कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइएगा कि सर बहुत तेज बोल रहे हो, तो हम बोलने की स्पीड जो है कम कर लेंगे, ठीक है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें। पहला, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट्स सॉइल जियोलॉजिक फॉर्मेशंस एंड द ओशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। कीवर्ड है टेम्पररी स्टोरेज इन, और ये जहां पर स्टोरेज की बात कर रहा है ये कीवर्ड्स है। स्टेटमेंट टू, द डंपिंग ऑफ आयरन इन द ओशन हेल्प्स इन CO2 एब्जॉर्प्शन। आयरन और CO2 एब्जॉर्प्शन कीवर्ड्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला, दूसरा, दोनों या नीदर। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, देखो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है हम कह रहे हैं कि गर्म होती जा रही है। तो अभी CO2 को किस तरह से काउंटर किया जाए, साइंटिस्ट उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स लेके आते हैं, उसमें से एक टेक्निक है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या कहता है कि ये जो कार्बन है, जो एक्सेस कार्बन है एटमॉस्फेयर में जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस कार्बन को स्टोर कर दिया जा सके इन डिफरेंट मीडियम्स लाइक प्लांट्स में, सॉइल में, जियोलॉजिक फॉर्मेशंस में, ओशंस में, ताकि जो एटमॉस्फेयर का कार्बन है वो कम हो जाए एंड ये ग्लोबल वार्मिंग का जो रेट है वो रिड्यूस हो जाए। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देसी भाषा में ही होता है। अब आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, देखो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम स्टोरेज की बात कहाँ कर रहे हैं, प्लांट्स में, सॉइल में, जियोलॉजिक फॉर्मेशन में, ओशन में, ये तो ठीक है, लेकिन टेम्पररी नहीं, हम परमानेंट सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम कार्बन को ओशंस में अराउंड 100 ईयर्स के लिए स्टोर कर देंगे, तो वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट बेस पे है, लंबे समय के लिए स्टोर करने की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि एक दिन, दो दिन, या एक साल, दो साल, पाँच साल, दस साल के लिए, नहीं, ओके। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, डंपिंग ऑफ आयरन इन द ओशन विल हेल्प CO2 एब्जॉर्प्शन। अगर आप आयरन को ओशंस में डाल देते हो तो उससे जो CO2 रेट है वो बढ़, CO2 का एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो ऑप्शन बी, टू ओनली। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, ठीक है, मीडियम्स सारे वही हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन नेचुरली भी होती है। नेचुरली कैसे होती है, प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनको रिक्वायर्ड होता है, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस हो गया। अब साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें एंथ्रोपोजेनिकली भी जो है मैकेनिज्म ऐसे डिराइव करने पड़ेंगे जिससे हम इस कार्बन को स्टोर कर सके, ताकि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको कम किया जा सके।
तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किस किस टाइप के होते हैं? एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है वो ट्रीज और प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको अपने फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। फिर होता है जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या कह रहे हैं कि हम CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके स्टोर कर देंगे ऑयल रिजर्व्स में, गैस रिजर्वॉयर्स में, कोल सीम्स में, सेलाइन फॉर्मेशन में, शेल फॉर्मेशन में, तो इन सारी जगहों पर हम कार्बन को स्टोर करके रख सकते हैं। अब किस तरह से किया जाएगा वो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, उसमें अपने को जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड आ जाता है ओशियन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओशंस जो है एब्जॉर्ब करें, ठीक है, CO2 को एटमॉस्फेयर में से। और ओशन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो आप ओशंस की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, ओशंस का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, और वो बढ़ाने का तरीका आप उसमें आयरन फर्टिलाइज कर दो या आप उसमें CO2 इंजेक्ट करना शुरू कर दो। अब आयरन से क्या होगा, अगर आप आयरन ओशन के अंदर डाल रहे हो तो आयरन जो है ना वो फाइटोप्लैंकटन एक ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा सा बहुत माइन्यूट सा ऑर्गेनिज्म होता है, तो फाइटोप्लैंकटन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। फाइटोप्लैंकटन जो है फोटोसिंथेसिस करता है खुद से, और उसके लिए उसको कार्बन चाहिए। तो अगर फाइटोप्लैंकटन ओशंस में फाइटोप्लैंकटन का नंबर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली, मतलब अगर ज्यादा फाइटोप्लैंकटन है तो वो ज्यादा कार्बन को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे अल्टीमेटली, ओके। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली CO2 एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली आपका ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में से CO2 जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ऑलवेज यू कैन एक्सपेक्ट देम, ओके। एंड करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो न्यूज में आ रहा है, जो एडिटोरियल्स होते हैं ना उनमें से बहुत बार सवाल आते हैं UPSC में, एडिटोरियल्स हो गए, जो ओपन पेज होते हैं, तो सारा हमने देखना होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट सीबर्ड ऑफन सीन इन न्यूज इज रिसेंटली रेफर्स टू, ऑप्शन ए ऑयल ड्रिलिंग इन इंडियन ओशन, ऑप्शन बी नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ सी गल्स इन गल्फ ऑफ मन्नार, और ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड टू वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना चाहिए आपको अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ये प्रोजेक्ट सीबर्ड। ओके, तो आंसर इस केस में क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। तो प्रोजेक्ट सीबर्ड से जो इंडिया है इट इज बिल्डिंग अ नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, ओके। तो डिटेल देखें थोड़ी सी, लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडिया का करवर कर्नाटका में, और इसके लिए नेवल कोस्ट बनाया जाएगा। कंप्लीशन के बाद इट विल गिव इंडियन नेवी विद इट्स लार्जेस्ट नेवल बेस, अभी तक का नेवी इंडियन नेवी का सबसे बड़ा नेवल बेस होगा। और अगर आप स्विस कनाल के वेस्ट में देखो, सॉरी स्विस कनाल के ईस्ट में देखो, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल स्विस कनाल है, अगर आप स्विस कनाल से ईस्ट की तरफ चलो तो स्विस कनाल के बाद ईस्ट में सबसे बड़ा नेवल बेस होगा इंडिया में, सबसे बड़ा, तो एशिया में तो ऑटोमेटिकली हो ही गया। ऑलराइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और द वीडियो, ओके। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस करनी है, सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन होगा ये आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है ये भी अभी आपको बताऊंगा। शौर्य, ब्राह्मोस, पृथ्वी, नाग, ये मिसाइल्स कभी ना कभी न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, कभी किसी की टेस्टिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, तो कभी कुछ, ठीक है, इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। देखो दो तरह की मिसाइल्स हम पढ़ते हैं, एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है आपकी क्रूज मिसाइल, ठीक है, फर्क आपको पता होना चाहिए दोनों में, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा और इन सारी मिसाइल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो आंसर सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो ब्रह्मोस है और जो नाग है ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, शौर्य और पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ओके। सो आंसर विल बी बी। सबसे पहले डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में, तो ये रहा डिफरेंस का टेबल आपका। अब जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इट इज प्रोपेल्ड ओनली बाय फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन, सिर्फ ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए इसको प्रोपेल किया जाता है, उसके बाद ये ट्रेजेक्टरी अपनी पकड़ के इट विल ट्रैवल द डिस्टेंस, ठीक है। प्रोपेल क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो एनर्जी पुश। क्रूज मिसाइल जो होती है ये इसकी प्रोपेलेशन टिल द एंड चलेगी, ओके, जितनी इसकी फ्लाइट है तब तक प्रोपेल ये होती रहेगी। बैलिस्टिक मिसाइल इज सिमिलर टू अ रॉकेट इंजन, क्रूज मिसाइल इज सिमिलर टू अ जेट इंजन, ये चीजें याद कर लेनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाओगे तब भी चलेगा, ठीक है, रट लो चाहे।
बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव कर जाएंगी। जब आप इनको रिलीज करोगे तो ये पहले एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर चली जाएंगी, फिर फ्लाइट अपनी कंप्लीट करेंगी, उसके बाद जब टारगेट हिट करना होगा उससे पहले ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में री एंटर करेंगी। जो क्रूज मिसाइल होती हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं हमेशा। ओके, लो प्रेसिजन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनका प्रेसिजन कंपैरेटिव टू क्रूज मिसाइल्स, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही अंधी होती हैं, कहीं कहीं पर भी जाकर टकरा जाती हैं, कंपैरेटिवली लो होता है प्रेसिजन, लेकिन जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनका काफ़ी हाई प्रेसिजन होता है। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की होती हैं, 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक की हो सकती हैं ये, ऑल राइट। लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये जनरली स्मॉल डिस्टेंस के लिए होती हैं, जनरली 500 से कम किलोमीटर के लिए ही होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल की पेलोड कैपेसिटी जो होती है, यानी कि जो ये वॉर जो वेपन्स हैं, जो बॉम्ब्स हैं, जो लोड है, वो कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, क्रूज मिसाइल की कैपेसिटी एज कम्पेयर्ड कम होती है। मल्टीपल पेलोड्स को भी कैरी कर सकती है, क्रूज मिसाइल जो है सिंगल पेलोड को कैरी करता है। ओके, डेवलप प्राइमरली टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ओके, ये प्राइमरली न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्रूज मिसाइल से आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी डिलीवर कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी। बैलिस्टिक मिसाइल में आपका एग्जांपल आ जाता है पृथ्वी, पृथ्वी टू, अग्नि वन, अग्नि टू, धनुष, और क्रूज में आपका ब्रह्मोस मिसाइल जो है एग्जांपल आ जाता है। ऑल राइट, चलिए अब जो ऑप्शंस में अपने पास मिसाइल्स थी उनके बारे में भी एक एक करके देख लेते हैं। तो शौर्य जो है क्या है, लैंड वेरियंट है, शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सगारिका का, ठीक है। तो K-15 सगारिका जो है वो क्या है, वो नेवल वर्जन है, और शौर्य जो है उसका लैंड वर्जन है। इसकी रेंज जो है 750 किलोमीटर है। पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 200 किलो से 1000 किलो है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डेवलप किया है हमने रशिया के साथ जॉइंट पार्टनरशिप में। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है इंडिया में, यानी कि आप इसको देखो मल्टी प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, आप इसको लैंड से भी डिलीवर कर सकते हो, आप इसको एयर से भी डिलीवर कर सकते हो, आप इसको अंडर वाटर सबमरीन से भी डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल जो है डिलीवरी प्लेटफॉर्म इसके हैं। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी स्पीड 2.5 टू 2.8 मैक है। मैक इज बेसिकली 1 मैक इज बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, 1 मैक इज बेसिकली द स्पीड ऑफ साउंड। दिस इज अ फायर एंड फॉरगेट सिस्टम। आपको कोई गाइडेंस या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार टारगेट सेट करके इसको अगर फायर कर दिया तो ऑटोमेटिकली इट विल हिट इट्स टारगेट। देन देर इज पृथ्वी। पृथ्वी पहला इंडिजिनियसली बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल है इंडिया का, सरफेस टू सरफेस है। ओके, रेंज 150 टू 300 किलोमीटर है। नाग थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है ये, 4 से 8 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इसको, ऑल राइट। हेलिना जो है वो नाग का हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, ठीक है। हेलिना को बेसिकली हेलिना है तो नाग मिसाइली, पर जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सके इसलिए इसका नाम हमने हेलिना रख दिया। ये एयर टू सरफेस वर्जन हो गया नाग का, ऑल राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मिसाइल्स के ऊपर क्वेश्चन जो है आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ से आपने इसको अच्छे से समझ लिया, ऑल राइट। चलिए ओके, तो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करेंगे, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप फॉलो करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड करने का जो सिस्टम है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी। बाकी वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, और डेली करंट अफेयर एमसीक्यू 9:15 लाइव सेशन में सबने जुड़ना है, डिस्कशन करेंगे उसमें बहुत अच्छे से, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, डाउट्स लेंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।